नमस्ते। एक विशेष संदेश लेके आया हूँ। पूरा विश्व आज एक ऐसे वायरस से ग्रस्त हो गया है, डर गया है, जो रोग से ज्यादा रोग का भूतार है। घबराए नहीं, हर चीज का समस्या का समाधान है। हम लोग होम्योपैथ हैं। मैं विश्व के होम्योपैथी डॉक्टरों से और विशेष करके कंपनियों से निवेदन करता हूँ कि इसके एंटीडोज तुरंत तैयार करें। होम्योपैथी में विशेष तरह के एंटीडोज तैयार किए जाते हैं, जिनका प्रमाण बहुत ही बढ़िया है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और तुरंत आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अभी कोनियम के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, जो कोई प्रतिविष है। आर्सेनिक के रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और अभी मैं एक दवाई का खास करके आपके संसार के सामने बताता हूँ कि वो मकड़ी के जाले से बनती है, उसका नाम है टेरेंटिला क्यूबेंसिस। उसके प्रयोग, उसका जो पूरे के पूरे जो अभी सिम्टम है वो कोरोना से मिलते रहते हैं। वो लंग्स के ऊपर प्रभाव होता है उसका, मस्तिष्क पर बुखार हो जाती है, मनुष्य मौत के मुंह में चला जाता है। वही एक ऐसी दवाई है जो मौत के मुंह में से मनुष्य को निकाल सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्व के सभी होम्योपैथ आज मिलकर के एक हो जाएं और इस विषय में अपने चिंतन रखें और दवाइयाँ भेजें, बनाएं और लोगों को बस हेल्प करें। क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ एलोपैथी दवाइयों के साथ भी चल सकती है। एलोपैथी दवाई आज एलोपैथी का साम्राज्य ज्यादा है, उनके अधिकार उनको ज्यादा है, वो प्रयोग कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और यदि होम्योपैथी दवाइयों का सरकार सहयोग दे तो साथ साथ में होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाइयां भी भेजी जा सकती है। होम्योपैथी दवाइयां इसलिए जल्दी लगती है क्योंकि परिणाम तुरंत आते हैं। होम्योपैथी दवाइयां सभी एंटीडोज पर बनी हुई है और आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग करें और पोटेंटाइज करें और पावर में करें, ज्यादा वनर में करें, ताकि परिणाम तुरंत आ जाए। घबराए नहीं, मैं विश्व को ये फिर से संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना जैसे रोग का इलाज बहुत ही जल्दी निकल आएगा, निकल चुका है, केवल प्रयोग करना बाकी है। यदि होम्योपैथी डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस मीडिया में सामने बैठ कर की जाए, टीवी में की जाए, तो बहुत लोगों को इसका प्रभाव होगा और लोगों के प्रश्नों के अनुसार से रोगों के इलाज बताए जाए तो और बढ़िया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक 50 वर्ष का अनुभवी होम्योपैथ हूँ और मेरा मानना यह है कि होम्योपैथी चिकित्सा के अंदर सभी असाध्य रोगों के इलाज होते हैं। मैं कान के सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा करता हूँ, कम सुनने वाले, न सुनने वाले और बिल्कुल न सुनने वाले बहरे मुंगों के लिए। नशे सूख जाने से आया हुआ कान का तमाम प्रकार का बहरापन अब बिना मशीन बिना ऑपरेशन के हम लोग ठीक करके, यानी उनको ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उनकी सुनने की क्षमताएं बढ़ने लगती है, परिणाम घंटों में आ जाते हैं। विश्व के इतिहास में शायद ये पहली दफे संभव हुआ है, पर हमारे यहाँ पर प्रतिदिन ये कार्य चलता है। हम लोग कैंप लगाते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और ट्रीटमेंट करवा के ठीक होते हैं और अपना फायदा लेते हैं, अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं और इसी के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। उनके अनुभव के वीडियो, उनके आशीर्वाद के वीडियो की जो ठीक हो रहा है, जैसे जन्म का पहला बच्चा आया, उसको कहा कि बिल्कुल बहरा होगा, इम्प्लांटेशन कराना है और इम्प्लांटेशन के पहले हमारी दवाई का प्रयोग करता है तो सच वो सुनने लगता है। बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल बंद हो गया सुनना, तो सुनना सुनने की क्षमताएं बढ़ने लगती है। बच्चे जवान एक्सीडेंट से बिगड़े हुए कान ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन से बिगड़े हुए कानों में फर्क पड़ जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कान का कोई भी रोग हो तुरंत परिणाम आता है, टीनिटस के परिणाम बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई जैसे कान असाध्य रोग है दुनिया के लिए, पर हमारे यहाँ परिणाम अच्छे आते हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोगों से खास करके इस विषय में बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी चिकित्सा के अंदर उसको खोजें और टेरेंटुला क्यूबेंसिस के ऊपर ध्यान दें, आर्सेनिक पर ध्यान दें और अन्य दवाइयों पर ध्यान दें, एकोनाइट पर खास ध्यान दें। और ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें मिक्स करके भी बनाई जा सकती है। आर्सेनिक के साथ में मेटफोस बहुत बढ़िया काम करती है, जो दर्द का दर्द को भी कंट्रोल करती है और इस दवाई का मिश्रण भी बहुत अच्छा होता है। मैं बार बार अभी विश्व के वैज्ञानिकों से और होम्योपैथ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुरंत टेरेंटुला क्यूबेंसिस के ऊपर ध्यान दें और विश्व को बताएं कि ये इलाज संभव है। मेरी प्रणाम, कोई गलती हो तो क्षमा करें, सोच समझ के दवाइयाँ करें और अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के संपर्क में रहकर के ट्रीटमेंट कराएं। प्रणाम।